सबसे पहले आता है, जहां हमारे रूसी मित्रों के अदम्य संघर्ष की प्रकृति पर विजय सारे संसार के लिए प्रेरणा बनी है और जहां 21वीं सदी में मानव विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, ऐसे कर्मतीर्थ व्लादिवोस्तोक में आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। और यह संभव हुआ है मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट पुतिन के निमंत्रण से। वह निमंत्रण जिसने मुझे व्लादिवोस्तोक आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह सुखद ऐतिहासिक संयोग है कि प्रेसिडेंट पुतिन और मेरे बीच भारत और रूस का 20वां एनुअल समिट हुआ है। साल 2001 में जब ऐसा समिट पहली बार रूस में हुआ था, तब मेरे मित्र पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और मैं अटल जी के साथ उस समय के हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के डेलीगेशन में आया था। राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सहयात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। यह समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का ज्वाइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ने लोकलाइजेशन के इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागीदारी विकसित हो रही है। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एक और मैं लंबे अरसे तक गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और राष्ट्रपति पुतिन भी रूस के रीजन्स की क्षमताओं और संभावनाओं को भली भांति जानते हैं। इसलिए यह नेचुरल है कि उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कंसीव किया और भारत जैसे विविधता भरे देश को इसके साथ नजदीक से जोड़ने को महत्व दिया। इसे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। उनके निमंत्रण के तुरंत बाद हमने बहुत सीरियस तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 150 से अधिक बिजनेसमैन व्लादिवोस्तोक आए। फार इसके विशेष दूत और फार इसके सभी
11 गवर्नर से उनकी मुलाकातों के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। राज्यों और क्षेत्रों के संबंधों में फ्रेमवर्क मिला है और कोयला, डायमंड माइनिंग, रेयर अर्थ, एग्रीकल्चर, टिम्बर, पल्प एंड पेपर तथा टूरिज्म में अनेक नई संभावनाएं उजागर हुई हैं और अब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच मैरीटाइम रूट का प्रस्ताव भी किया गया है। तीसरा, हमने अपने बायलेटरल कोऑपरेशन को बहुत विविधता दी है और उसमें नए आयाम जोड़े हैं। आजकल हाईलाइट और हेडलाइट भारत और रूस के बीच तेल और गैस के सौदे नहीं बल्कि दोनों के द्वारा एक दूसरे के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड निवेश है। इस सेक्टर में सहयोग के लिए 5 साल का रोडमैप और फार ईस्ट तथा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन और एलएनजी की खोज में सहयोग पर सहमति हुई है। स्पेस में हमारा लंबा सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गगनयान यानी भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग करेंगे। आपसी निवेश के पूरे पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हमने जल्द ही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करने पर सहमत हुए हैं। भारत का रशिया प्लस देश और रूस की फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी का मुंबई ऑफिस परस्पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी नए अध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बहुत विशाल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंद्रा 2019 हमारे और भी बढ़ते हुए भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। जब भी जरूरत होती है भारत और रूस दुनिया के सामान्य स्थानों पर ही नहीं अंटार्कटिका और आर्कटिक में एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में शांति और स्थायित्व के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आवश्यक है और इसके निर्माण में हमारे सहयोग और समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हम सहजता से ब्रिक्स, एसयूओ और अन्य ग्लोबल फोरम में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आज हमने बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ हैं। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। अगले साल भारत और रूस मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर हाई लेवल फोरम का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। एक बार फिर इस निमंत्रण और स्वागत सत्कार के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल उनके साथ और अपने दूसरे मित्र नेताओं के साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं अगले साल एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत में प्रतीक्षा करूंगा। साल 2020 में रूस एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन
सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बत्सोई।